नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आप देख रहे हैं चैनल दीपक खरे। दोस्तों, यदि आप अपना फ्यूचर एक्टिंग लाइन में बनाना चाह रहे हो तो ये वीडियो खास है आपके लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें और जानें सारी जानकारी एक्टर बनने की। दोस्तों, यदि आप फीमेल्स हैं और एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो तब आपको जहाँ जहाँ मैं एक्टर बोलूँगा वहाँ वहाँ अपने लिए एक्ट्रेस लगा लेना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिनेमा जगत है तो वो भारतीय सिनेमा जगत है, जिसमें प्रत्येक साल इतनी मूवी बनती है जितनी पूरी दुनिया में कहीं ना बनती हूँ। बहुत अच्छा स्कोप है दोस्तों इस फिल्म जगत में एक्टर बनने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में अधिकतर सभी राज्यों में अपना अपना सिनेमा है। हमारे हिंदुस्तान में ही अनेकों सिनेमा के नाम हैं, जैसे कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड। ये सारे वुड हमारे एक कॉमन नेम से मैच किए हुए हैं और कॉपी किए हुए हैं, जो कि विदेशों में फेमस है हॉलीवुड के नाम से। जिनमें यदि आप सोच रहे हैं हीरो या हीरोइन बनने की, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि कैसे बने एक सफल एक्टर या एक्ट्रेस, इनके लिए क्या एजुकेशन होता है। तो आइए जानते हैं। एक्टर या एक्ट्रेस को नॉर्मली शॉर्ट टर्म से एक्टिंग कोर्स में डिप्लोमा दिया जाता है, और ऐसे लोग जिन्होंने या जिन्हें एक्टिंग फील्ड में बैचलर की डिग्री लेनी है वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से ले सकते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग भी उनके लिए पर्याप्त है। कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, फिल्म जगत से कर सकते हैं, थिएटर से कर सकते हैं, ड्रामा से भी वो बैचलर की डिग्री ले सकते हैं। बहुत से लोग कला विषयों में प्रवेश लेकर फाइन आर्ट में मास्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं। फाइन आर्ट में आपको स्टेज पर बोलने की कला सिखाई जाती है, हाव भाव कैसे करते हैं ये सिखाया जाता है, निर्देशन कैसे किया जाता है ये भी बताया जाता है आपको फाइन आर्ट में। स्क्रिप्ट लेखन, आवाज़ को कैसे प्रभावी बनाएं, अपनी चाल ढाल कैसे रखें, फाइट सीन कैसे दें, डिजाइनिंग, अलग अलग लैंग्वेज सीखना, ये सारी चीज़ें आपको फाइन आर्ट में बताया जाता है। दोस्तों, बैचलर डिग्री 3 साल की होती है और डिप्लोमा 1 साल का होता है। कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं जो सरकारी हैं और प्राइवेट भी हैं फिल्म जगत के लिए। तो जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं वो हैं पुणे की फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसमें टेस्ट अप्रैल में होता है, जिसमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और इसकी जानकारी आप www.fti.india.com से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे और भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप एक्टिंग के लिए डिप्लोमा और डिग्री ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, इनकी जानकारी आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, गूगल से चेक कर सकते हैं कि और जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं कौन कौन से हैं, तो उनको आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों, एक एक्टर या एक्ट्रेस के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो होना अनिवार्य होता है। पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है? एक एल्बम होता है जिसमें आपकी स्टाइलिश फोटो होती हैं, उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है। बहुत से एक्टर या एक्ट्रेस काम ढूंढने के लिए अपने एजेंट या मैनेजर भी नियुक्त करते हैं, जो कि उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। वैसे तो एक शुरुआती एक्टर को एक शॉट के लिए लगभग 1,000 रुपये मिल जाते हैं, और अपनी एक्टिंग का अगर उन्होंने लोहा मनवा लिया तो यह आमदनी करोड़ों में भी चंद सालों में पहुंच जाती है। दोस्तों, मैंने कई बड़े बड़े लोगों से सुना है कि फिल्म जगत में अब बहुत कंपटीशन हो गया है। हाँ, मान लिया कि कंपटीशन बढ़ गया है, तो क्या अपने अंदर के जो हीरो को केवल इसीलिए ही मार दें कि कंपटीशन बढ़ गया है? दोस्तों, कंपटीशन उनके लिए है जिन्होंने एक्टिंग करने के लिए खुद से सवाल जवाब नहीं किया और केवल सेलिब्रिटी की चकाचौंध के कारण एक्टिंग लाइन में घुस गए, ज्वाइन कर लिया। आपके अंदर हुनर है और आपको एक्टिंग की बहुत बारीकी पकड़ है, तो फिर आपके लिए स्कोप जिंदगी भर रहेगा। आपके लिए कंपटीशन कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, याद रखना, एक्टिंग करना अक्षय कुमार का सपना नहीं था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे एक्टिंग को सीखा और अभी भी वो सीखते जा रहे हैं और अपने आप को निखारते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा भी मत करना कि 4 लोगों ने बोल दिया कि आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तो आपने एक्टर बनने का ड्रीम बना लिया। अपने आप से लॉयल रहना। एक्टर की सैलरी और उसके फेम के कारण आप एक्टिंग लाइन ज्वाइन मत करना। दोस्तों, नॉर्मल जो एक्टर होते हैं उनमें 5 चीज़ें होनी चाहिए, तब उनके सक्सेस से ज़्यादा चांस होते हैं। पहली चीज़ प्रतिभा, दूसरी चीज़ आत्म अनुशासन, तीसरी चीज़ अच्छी छवि, चौथी चीज़ होती है जनसंपर्क, और पांचवी चीज़ होता है उसका भाग्य। लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो केवल 2 ही चीज़ है। पहली चीज़ है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, मतलब कि धैर्य इतना कि कम से कम 10 साल तक अनसक्सेसफुल रहो तो भी कोई बात ना बिगड़े। ऐसा यदि आप कर पाओ तभी इस फील्ड पर आओ। और दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप किसी भी इमोशन को रियलिटी में रूप दे दें। मेरे कहने का मतलब, एक्टिंग पर बारीकी पकड़ होनी चाहिए। रोना, हंसना, चीखना, चिल्लाना, ये सभी बिल्कुल बारीकियों के साथ आपको आने चाहिए। रोने से मतलब केवल रोना नहीं, रोने के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि खुशी में रोना, गम में रोना, रो लेकिन आंसू ना निकले, रोना लेकिन आवाज ना आए, और ऐसे रोना जिसमें केवल आंसू दिखे।
आपकी आवाज ना निकले, मतलब आपको रोने की सारी कलाएं आनी चाहिए। ये तो केवल रोने वाला इमोशन है, आपको सभी इमोशन पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप एक मजे हुए खिलाड़ी बन पाओगे और एक्टिंग की दुनिया में नाम कमा पाओगे। और दोस्त, जाते जाते मैं दो लाइन आपके लिए बोलते जा रहा हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है दोस्त, केवल अपनी अपनी सोच का फर्क होता है। जिंदगी में आप उतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हो जितना कि आपकी सोच सोच सकती है।